तो ओवल से आज जो खबर आई उसे देखकर देश थोड़ा उदास होगा। तो अब हम आपको ओवल के ठीक बाहर से एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ये खबर है लंदन की सड़कों पर खालिस हिंदुस्तानी स्वाद से जुड़ी खबर। ये स्वाद तो आपने बहुत बार चखा होगा, लेकिन लंदन में इस स्वाद को बेच रहे व्यक्ति को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो लंदन में कौन चला रहा है कोलकाता वाली झालमुड़ी एक्सप्रेस, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या देश का कोई भी छोटा बड़ा शहर, सड़कों पर यह झालमुड़ी आपने जरूर खाई होगी या बिकती देखी होगी। लेकिन लंदन की सड़कों पर खालिस इंडियन स्वाद वाली ये झालमुड़ी एक्सप्रेस कौन चला रहा है? देखकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन जो दिख रहा है वो ही सच है। एक अंग्रेज लंदन की सड़कों पर बेच रहा है झालमुड़ी। ये झालमुड़ी है हिंदुस्तानी, लेकिन बेचने वाला है इंग्लिश टाइम। लंदन के ओवल मैदान तो अपने आप में ऐतिहासिक है, बहुत सी चीज़ें खास है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाली हूँ, एक बहुत ही खास तस्वीर भी दिखाने वाली हूँ। आपने विदेश की सड़कों पर या विदेशों में बहुत सारा इंडियन स्ट्रीट फूड ज़रूर खाया होगा, आपको मिले भी होंगे बहुत से शॉप्स वगैरह, लेकिन यहाँ जो मैं इस वक्त आपको दिखाने वाली हूँ ये बिल्कुल अलग और बिल्कुल खास है। हम इस वक्त ओवल स्टेडियम के बिल्कुल सामने मौजूद है और हमारे सामने एक ब्रिटिश नागरिक है जिनका नाम है एंगस डैनून और ये बना रहे हैं भारत की खालिस झालमुड़ी। यानी जो भारत में आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, जो झालमुड़ी आप खाते हैं, वो आपको लंदन में दिख रही है। उसी तरीके से सजावट भी दिख रही है, उसी तरीके से डब्बे भी दिख रहे हैं और यहाँ पर वो एंगस देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। बस फर्क ये है कि आप बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक ब्रिटिश शेफ है। 63 साल के एंगस की झालमुड़ी की चर्चा लंदन में खूब होती है, भारतीयों के बीच तो वो खासे लोकप्रिय है। एंगस की झालमुड़ी का स्वाद कैसा है ये हम आपको खाने वालों से ही सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपके दिमाग में कौन रहे बड़े सवालों का जवाब देते हैं, जैसे कोलकाता वाली झालमुड़ी का स्वाद लंदन तक कैसे पहुंचा? एंगस, where did you get this inspiration from? Kolkata. Kolkata. Yeah, I spent time in Kolkata. So, देखिए एंगस बता रहे हैं कि कोलकाता में थे और कोलकाता से इन्होंने झालमुड़ी कब, when did you went to Kolkata? 2004, first time. 2004. Yeah, I've been many times. Yeah, okay. I'm fascinated by the food. The street food there is amazing. So you got this idea from there? Totally from there. Absolutely. They're very inspiring. And you are a chef here? I'm a chef in the past, yeah. Yeah, you've been a chef. Do this jalmuri thing all the time? It's a different way of cooking. When you learn on the streets, it's much simpler cooking. There's no running water, refrigeration, etc., etc. Yeah. So you learn different ways of cooking and preparing food. And I'm very inspired by the way they do it. तो देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत इंस्पायर हुए जब ये कोलकाता में गए झालमुड़ी से। आपको बता दें एंगस वही है जो 2019 के वर्ल्ड कप में इस तरीके से झालमुड़ी देते हुए बहुत बहुत वायरल हुए थे और देखिए ये यहाँ पे डिमांड है कि स्पाइसी बनाए, तो अब ये स्पाइसी भी बना रहे हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से, बिल्कुल आपको जैसे अपने घर के पास या फिर भारत में कहीं भी किसी भी सड़क किनारे एक स्ट्रीट फूड के तहत ये झालमुड़ी दिख जाएगी, कुछ बिल्कुल उसी तरीके से एंगस भी यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एंगस के झालमुड़ी के स्वाद की, क्योंकि कोलकाता झालमुड़ी एक्सप्रेस सजाना तो आसान है, अंदाज भी कोलकाता वाला हो सकता है, लेकिन क्या लंदन में वो स्वाद भी एंगस दे पा रहे हैं? हमने खुद इंडियन से जाना जो असली झालमुड़ी का स्वाद जानते हैं। इन्हें लंदन की सड़कों पर अंग्रेज झालमुड़ी वाला देखकर हैरानी होती है और स्वाद कैसा है ये खाने के बाद इनका पहला रिएक्शन देखकर ही समझा जा सकता है। जो रस्ते पे खाने का जो मजा है ना वो कुछ अलग है। जब कोई एक एक ब्रिटिश नागरिक बना रहा है इसलिए हम, क्या आपको फर्क लग रहा है कि एक इंडियन बना रहे हैं या इनमें नहीं? बिल्कुल ही नहीं, टेस्ट में बिल्कुल ही नहीं। ही इज एक्सपर्टाइज इन दैट।